अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। युगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी के कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। दूसरे दिन नींद से जागकर हम नजदीकी झरने पर आए। शौचादि स्नान वगैरह निपटाकर हम अमरकंटक की यात्रा पर पुनः चल दिए। लगभग 15-20 मिनट पैदल यात्रा करते हुए हम आमनाला या अमरनाला पर आए। नाला अर्थात एक छोटा सा झरना था। सुमित दास जी ने बोले, इसलिए हम का कहें, ये जो देख रहे हो ना ये है अमरनाला, लेकिन मूर्ख लोग इसे कहते हैं आमनाला। सुनो, कहा जाता है सत्य युग में इस स्थल पर देवताओं की साथ असुरों के एक घमासान लड़ाई हुई थी। अमरनाम कटा, इस काट का अर्थ है देवताओं की देह हजारों टुकड़ों में कट गए थे। उनमें से जो खून निकला था उससे यह नाला पैदा हो गया था। पर आज देखो यह झरना जैसा दिखती है, कितना सब पानी है, क्या दैवी माया है। इस अमरनाम कट शब्द से ही अमरकंटक का नाम भी निकल आया, समझे। सुमित दास जी का बात सुनने के बाद मैंने उनको बोला, लेकिन महाकवि कालिदास जी ने पहाड़ का इस चोटी को अमरकूट कहा है, शायद इसलिए भी अमरकंटक का नाम आया है। मेरे बात सुनने के बाद सुमित दास जी ने कड़क स्वर में बोला, अरे कवि लोग क्या बताएंगे, हमने जो कहा है वही बात सच्ची है। सुनो, मार्कंडेय जी ने अपने मार्कंडेय पुराण में इस घटना की चर्चा की है, फिर स्कंद पुराण में भी इसी घटना का वर्णन मिलता है। अरे संभाल के चलो भाई, संभाल के चलो, यह बड़ी ऊंची चढ़ाई है, होशियारी से चलो। तथास्तु। वस्तुतः मार्गदर्शक के साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे। एक पागडंडी को पार करते ही मैंने देखा सामने सुविशाल विंध्याचल चोटी के ऊपर अमरकंटक आंखों के सामने जाग उठा। अभी तक चारों ओर सूरज की किरणें जगमगा रही थी, लेकिन अचानक एक बादल का टुकड़ा हमारी ओर बढ़ने लगा। इस बादल को देखते हुए मुझे याद आ गया है आषाढ़स्य प्रथम दिवस। ये जल भरी बादल क्रमशः हमारे निकट आने लगे। अमरकंटक की चोटी पर मानो नीली पहाड़ियों को छूने लगी ये बादल नीले पर्वतों के ऊपर आकाश में सूरज की किरणें नीचे के नीले और सफेद बादलों को चीर कर वो चारों ओर फैलने लगे। इससे बाहरी आसमान अब कुछ धुंधला लगने लगा। ऐसे में महाकवि कालिदास का मेघदूतम की एक चंद पंक्तियां मुझे याद आने लगी। उन्होंने बताई थी, अलकापुरु से निर्वासित यक्ष अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल थे और बादल से वो जाचना करता है, हे मेघ, जब तुम राह चलते चलते थक जाओ तब रास्ते में पड़ने वाले अमरकूट पर्वत पर विश्राम ले लेना, वो शिखर तुम्हें सादर अपने मस्तक पर धारण कर लेगा। बिरही यक्ष मेघ से और भी आग्रह करके उन्होंने कहते हैं, देखो तुम्हारा रंग सुंदर बेनी की तरह साम है, जब तुम राह चलोगे तो पाओगे कि अमरकूट पर्वत का निचला हिस्सा सुंदर है, सुगंधित फूलों में और मीठी फलों से सजा धजा है, उसके चारों ओर आम के बाग तुमको मिलेंगे। जब तुम उस पर्वत के बीच हिस्से तक उतरोगी तुम्हें एक अत्यंत मनोहर दृश्य दिखेगा, अर्थात पर्वत के बीच का भाग तुम्हें सांवला दिखेगा जबकि ऊपरी हिस्सा तुमको दिखेगा हल्के पीले रंग का, मानो ऊपरी अंश ने धरती माता का स्तन का रूप धारण कर लिया है। मैं सोचने लगा
महाकवि ने इस दृश्य का अत्यंत सूक्ष्म तथा सुंदर वर्णन किया है। सामने उस अनूठे दृश्य को देखकर मुझे लगा कि पहले का अम्रकूट पर्वत ही अपभ्रंश बनकर लोगों में अमरकंटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक बार बताए थे, अमरकंटक शब्द के और दूसरे अर्थ है। उन्होंने बोला था, अमरस्व महामृत्युंजयस्व शिवस्व कंठत निर्गता, अर्थात जिस स्थान पर नर्मदा जी शिव जी के कंठ से निकली थी वो स्थान अमरकंटक कहलाया। अंत में यह शब्द अपभ्रंश में रूपांतरित हुआ अमरकंटक के नाम में। अमरकंटक का एक तीसरा अर्थ यह भी निकलता है, जिस स्थान में देवतागण असुर से युद्ध में बार बार हार गए थे वो स्थान उनके लिए कंटक स्वरूप था। अमरनम कंटक, इसलिए विंध्य पहाड़ की यह चोटी अमरकंटक कहलाई। मैंने देखा इस अमरनाले के पास साधुओं की कुछ कुटीर है। सच में यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। सुमित दास जी ने मुझे एक कंदमूल दिया, इसे लेने पर भूख प्यास नहीं लगती है मगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। परिक्रमाकारी तपस्वियों के लिए यही कंदमूल बहुत लाभदायक है। जंगल और पहाड़ के दुर्गम रास्ते पर परिक्रमाकारी इसी के सहारे दिन काट लेते हैं। पेंड्रा रोड से तकरीबन 12.5 मील चलकर हम यहाँ पहुंचे थे। यहाँ से अमरकंटक तक केवल 1.5 मील ही दूरी और तय कर रही थी, मगर अगले मील पर हमें खड़ी ऊंचाई चढ़नी थी। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पकड़कर हम चट्टानों पर चढ़कर चढ़ाई तय कर रहे थे। मैंने देखा अक्सर दूर तक गहरी खाई निकल गई थी। जब हम उतराई पर आए तो अमरकंटक का मंदिर दिखाई दिया। थोड़ा सा पथवरी भाग को चलकर हम अपनी मंजिल अमरकंटक पहुंच गए। उस समय दिन का 8 बजे थे। राह चलते चलते सुमेध दास जी ने मुझे बताया कि अमरकंटक में साधु संतों के अलावा ब्राह्मण राजपूत गोंड ग्वाली और भी समुदाय इधर बसते हैं। इस प्रकार करीब 200 परिवारों का निवास यहाँ पर है। यहाँ दूध घी की नदियां बहती है। रास्ते में चलते चलते अब मुझे यहाँ के निवासियों के घर मिलने लगा। सुमित दास जी ने मुझे साथ लेकर ओहल्लाबाई की धर्मशाला में आए। पत्थर की दीवार से धर्मशाला बनी थी। मैंने देखा इस धर्मशाला की दरवान जी सुमित दास जी की बड़ी श्रद्धा करते हैं। हमें एक बड़ा सा कमरा मिला जहां हमने अपना सामान जमाया, फिर मंदिर पहुंचे। वहां के सफेद फाटक के सामने मैंने साष्टांग प्रणाम किया अपने रूसी पिता महेश्वर और माता नर्मदा के नाम पर। यह फाटक विशाल है, उसके ऊपर छोटे छोटे कंगूरे हैं सजावट के लिए। फाटक के अंदर विशाल आंगन है। आंगन के बीच में 11 कोनों वाला एक विशाल जलकुंड है। इसकी परिधि 260 हाथ की है। इसकी गहराई है 8-10 हाथ की होगी। यहाँ का पानी गहरा है, स्थिर है और स्फटिक की तरह साफ है। इतना सच है कि नीचे की सतह साफ नजर आ रहा है। यही है परम पवित्र नर्मदा कुंड। यहाँ शंकर जी के महत्तिर से उत्पन्न हुई है माँ नर्मदा, जिनका बाहरी स्वरूप यह जल रूप है। शास्त्र के अनुसार इस जलाधार को विषाजंत्र कहते हैं। महायोगी तपस्वियों के दृष्टिकोण से यही विषाजंत्र महासिद्धि का आधार है। इस कुंड के भीतर अंश में नर्मदा माता नदी के रूप में बाहर की ओर बहती है। इस कुंड की पश्चिमी दिशा में जल निकासी का एक नाला मैं देख रहा हूँ। इस नाले को गोमुख कहते हैं। 6-7 हाथ लंबे इस नाले से होकर माता नर्मदा फिर एक दूसरे छोटे से कुंड में जाकर मिलती है। इस स्थल को कोटि तीर्थ कहते हैं। कहते हैं कि महादेव की परीक्षा लीला की फेर में पड़कर कमातुर देवतागण नर्मदा पर विजय पाने में जब व्यर्थ हुए तब यहीं पर उन्होंने नर्मदा जी से हार मान ली और नर्मदा जी की वंदना करने लगी। यहाँ का जल तीर्थ यात्रियों और परिक्रमाकारियों के लिए परम पवित्र माना जाता है। जो साधु नर्मदा जी के उत्तरी तट से परिक्रमा शुरू करते हैं उन्हें इसी कटी तीर्थ के जल में संकल्प करना पड़ता है, क्योंकि परिक्रमाकारी उत्तरी तट से होकर नर्मदा कुंड या मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। यही है शास्त्रीय विधि। कोटी तीर्थ के पास 2 जलकुंड और है, गायत्री कुंड और सावित्री कुंड। इनके अलावा और एक जलधारा है जो मंदिर के उत्तर से चक्कर काटती हुई मंदिर के पश्चिम से बहकर वो अंदर आती है और नर्मदा जी की जलधारा में
मिल जाती है। इन तीनों की मिलित धाराओं को त्रिकुटी कहते हैं, त्रिकुटी यंत्र। याद रहे, इस त्रिकुटी को पवित्र संगम क्षेत्र की मर्यादा दी जाती है। इस कोटी तीर्थ से 30-40 गज जमीन के नीचे से बहकर माता नर्मदा पुनः ऊपरी सतह पर फूट निकलती है। ऊपर प्रकट होकर अब नर्मदा पश्चिम की ओर बहने लगती है। यहाँ से विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ के ऊपर गिरी कंदरों से भेद कर वो बड़ी तीव्र गति से बहने लगती है। फिर टेढ़ी मेढ़ी राह तय कर वो अरब सागर में जा मिलती है। मैंने देखा, नर्मदा कुंड के पथरीले प्रांगण में चारों ओर 16 मंदिर खड़े हैं। प्रत्येक मंदिर सफेद संगमरमर का बना है। प्रत्येक की चोटियां अत्यंत ऊंची है और प्रत्येक मंदिर की चौड़ाई की तुलना में ऊंचाई बहुत ज्यादा पाई जाती है। इन मंदिरों में देव मूर्तियां के अलावा और भी 7 छोटी छोटी मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। कुल मिलाकर 23 मूर्तियां इस मंदिर के अहाते में है। इस कुंड की उत्तरी दिशा में अमरकंठेश्वर का मंदिर है। यहाँ नर्मदेश्वर महादेव जल के अंदर विराजमान है। उनकी कन्या नर्मदा दोनों हाथ जोड़कर उनके दाहिने पैर पर खड़ी है। उत्तरी तट पर और भी 2 मंदिर हैं। आसपास खड़े हैं वो मंदिर जिनके द्वार आमने सामने खुलते हैं। बीच में एक सभा मंडप है। सभा मंडप के दक्षिणी द्वार पर देवनगरी अक्षरों में लिखा है हर नर्मदे और उत्तरी द्वार के ऊपर में लिखा है जय मां नर्मदे। मैंने देखा, पूर्व दिशा के मंदिर में माता नर्मदा आसीन है। माता की मूर्ति काले संगमरमर से बनाई गई है। इनके विशाल नेत्र हैं, खड़ी नुकेली नाक और खीन कटी है और निर्लंकर है। ये एक तपस्विनी देवी का मूर्ति है। आदि कन्या महाशक्तिमयी महाकुमारी एकटक निहार रही है महादेव अमरनाथ को, जो सामने के पश्चिम मंदिर में विराजमान है। आनंदमयी इन कन्या को पिता महादेव अमरनाथ भी देख रहे हैं और उनके आंखों से वत्सल्य रास निकल रहे हैं। अमरनाथ मंदिर के सामने 2 और मंदिर है, गोरखनाथ और गौरी शंकर के। इनके निकट 2 मंदिर और है, चतुर्भुज विष्णु और नारायण के। इनके अलावा आहाते के उत्तर पूर्वी कोण में महादेव जी, उत्तर पश्चिमी कोण में रोहिणी देवी और पूर्व में और 2 मंदिर हैं, पार्वती और बालासुंदर जी के। नर्मदा जी के पश्चिमी किनारे पर जो मंदिर हैं वो हैं गौरी शंकर श्री रामचंद्र और महाभैरव घंटेश्वर के। अमरकंटक के शिखर पर स्थित नर्मदा जी का ये विशाल मंदिर दूर से एक मंदिरों का किला जैसा दिखता है। जिस समय में मैं कटी तीर्थ के सामने खड़े सुमेध दास जी से बातचीत कर रहा था, ठीक उसी समय एक अधेड़ उम्र के ब्राह्मण पंडित जी आए। मैंने देखा, उनके माथे पर लाल चंदन का टीका था। वो गले में रुद्राक्ष की माला और जनेऊ पहने थे। उन्होंने सुमेध दास जी को हर नर्मदे हर कहकर संबोधित किया। सुमेध दास जी ने मुझसे कहा, इसलिए हम कहां का हो, यह है नर्मदा माई के प्रधान पुरोहित। इनका शुभ नाम है पंडित रामाधीन द्विवेदी। ये महान विद्वान है, विशेषकर पाणिनि व्याकरण तथा वेदांत शास्त्र में ये अति पारंगत है। फिर सुमेध दास जी ने पुरोहित की ओर मुड़कर उन्होंने उनसे मेरा परिचय करवाया। इसलिए हम कह कहे, ये लड़का ये बंगाल मुलुक से आया है। इनके पिताजी ने इन्हें अकेले ही अमरकंटक नर्मदा माई के दर्शन और दंडवत के लिए भेज दिया। मेरी इनसे भेंट हुई पिंडरा रोड में, स्टेशन के नजदीक बाजार में। तो हम दोनों एक साथ पैदल चलकर वेटेंगा का जंगल पार कर आज आ गए नर्मदा माई के चरणों में। ये तो बहुत अच्छा हुआ था कि आपसे मेरा भेंट हो गई। अब आप इनको अपने अमरकंटक महातीर्थ के सारे किस्से आप सुना दीजिए। सुमेध दास जी के बात खत्म होने पर पंडित जी ने मुस्कुराकर वो कहना शुरू कर दिया। देखो, आज जहां नर्मदा कुंड है वहां बहुत प्राचीन काल में बांस का एक जंगल हुआ करता था। बांस के घने जंगल में नर्मदा जी का उद्गम स्थल छिपा रहता था। इस उद्गम स्थल को पहली बार आविष्कार किया था मराठा राज पेशवा बाजीराव प्रथम ने। उनके समय से यह तीर्थ बहुत जागृत बन गया है। बांस के जंगल से शिव जी का प्रकाश आए थे तो इसलिए उनका और एक नाम पड़ा, वनवेश्वर शिव जी। इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा का गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया ये महान मराठा राज घराने हैं।
नर्मदा जी एवं नर्मदा शिव शंकर के एकनिष्ठ भक्त हुआ करते थे। नर्मदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इंदौर के महाराजा ने सन 1929 में। मंदिर के प्रवेश द्वार संगमरमर के विशाल जो फटक आपने देखा उसका निर्माण करवाया था रीवा के राजा ने सन 1939 में, और आप लोग जिस धर्मशाला में ठहरे हैं उसे बनवाया था पुण्यवती रानी अहल्याबाई जी ने। दोनों ने अर्थात सुमित दास जी और पंडित जी ने मुझे साथ लिया, हर एक मंदिर के दर्शन कराए और उनमें विराज रहे हैं देवता की महत्ता के बारे में उन्होंने वर्णन किया। मैंने देखा जगह जगह भक्तगण उत्सुकपूर्ण नेत्रों में अपने अपने देवताओं के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं और साधु संत अपने ध्यान तथा जप तप में निमग्न है। पंडित रामाधीन द्विवेदी जी मुझे ले गए श्री कार्तिकेय स्वामी जी की मूर्ति के पास जो कि नर्मदा की मंदिर के उत्तर की ओर अवस्थित है। वो बोले, सुनो कार्तिकेय स्वामी जी की मूर्ति की महत्व कथा वर्णन जितना भी करें वो कम है। यहां ध्यान जप पूजा पाठ आदि करने से मृगी वगंदर दिल की बीमारी बवासीर और कोड़े आदि बीमारियों से सबको मुक्ति मिल जाती है। अपना ये नर्मदा क्षेत्र एक महान सिद्ध पीठ है, एक श्रेष्ठ तपस स्थल है। नर्मदाया तपो कुर्जत मरणम जन्हवी तटे। यदि गंगा के किनारे किसी की मृत्यु होती है तो उसे उच्च गति मिलती है, परंतु तपस्या में सिद्धिलाभ करने के लिए सबको नर्मदा के किनारे ही आना पड़ता है। महाचैतन्यमयी चैतन्य जागृतिकारिणी माता नर्मदा की कृपा दृष्टि मिले बिना ज्ञान सिद्धि अथवा कैवल्य प्राप्ति अथवा निर्वाण सिद्धि कभी नहीं मिल सकती। महर्षि भृगु माकंडीय मुनि से लेकर महर्षि पतंजलि गुरु गोविंद पाद शंकराचार्य और गुरुनाथ जी तक सबको आना पड़ा था इस नर्मदा तट पर तपस्या करने के लिए। याद रहे भारत के श्रेष्ठ महात्मा के लिए नर्मदा माई की कृपा प्राप्ति परम आवश्यक है। पंडित जी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए चले गए। तब सुमित दास जी ने मुझसे कहा, इसलिए हम कहा कहे चलो तुमको मैं घुमाने ले चलते हैं। देखो कोटी तीर्थ के घाट से नर्मदा जी की जलधारा किस प्रकार पश्चिम की ओर बहती है ये दृश्य देखने लायक है। अभी थोड़ा सा तो दृश्य तुम देखे हो, और भी तुमको देखना बाकी है। चलो 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 मेरे साथ आओ। और मैं सुमित दास जी के साथ चलने लगा। शिव कन्या नर्मदा माता वो सत्य है, इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहां पर विराम देता हूं। और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। मां नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्तिपथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।